पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जी हाँ, राम नाम की मोती को पाने की चाह तो हर एक प्राणी को होती है, क्योंकि केवल राम नाम ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जो हमें भव सागर से पार कर जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्त कर सकता है। राम नाम के सागर में डूबकर ही हम श्री राम को समझ सकते हैं, क्योंकि राम को समझना, उनके आदर्शों पर चलना और अंत में उनमें ही विलीन हो जाना, यही इस जीवन की पूर्णा होती है। श्री राम नाम वो सागर है जिसमें डूबने के लिए हर एक जीव हमेशा व्याकुल रहता है, क्योंकि वो जानता है कि यही वो मार्ग है जिस पर चलकर हम भव सागर से पार हो सकते हैं। कहते हैं श्री राम नाम की घूटी एक बार जिसने भी पी ली, समझो वो तर गया, न सिर्फ इस जन्म के लिए बल्कि जन्म जन्मांतर के लिए। राम नाम की लगन जिसको भी लगी वो फिर कभी इससे दूर नहीं हो पाया। यही लगन एक बार माता शबरी को भी लगी थी, जिन्होंने श्री राम की एक झलक पाने के लिए बरसों बरस इंतजार किया। कहते हैं हर रोज माता शबरी श्री राम के लिए मीठे बेर चुनकर लाती थी और श्री राम जिस पथ से आने वाले थे उस पथ पर रोज फूल बिछाया करती, ताकि जब श्री राम माता शबरी की कुटिया में पधारे तब उन्हें किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। ये माता शबरी का प्रेम ही था जो उन्होंने श्री राम को बेर खुद चख कर खिलाए, ताकि श्री राम को केवल मीठे बेर ही मिले। किंतु अपने इस प्रेम में वो ये भूल गई कि उन्होंने प्रभु श्री राम को जूठे बेर खिलाए हैं। इसका अर्थ ये है कि माता शबरी श्री राम की भक्ति में इस कदर डूबी हुई थी कि उन्होंने श्री राम के सुखों के अलावा कुछ और देखा ही नहीं। जरा सोचिए, जिनके भक्त ऐसे निश्चल हो वो स्वयं आखिर कैसे होंगे। श्री राम को भरत के लिए आदर्श भाई, हनुमान जी के लिए स्वामी, प्रजा के लिए नीति कुशल और न्यायप्रिय राजा, सुग्रीव और केवट के परम मित्र और सेना को साथ लेकर चलने वाले व्यक्तित्व के रूप में पहचाना जाता है। इतना ही नहीं, श्री राम ने आजीवन एक पत्नी व्रत धर्म को निभाने का वचन लिया था और उनके इन्हीं गुणों की वजह से उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से पूजा जाता है। भगवान श्री राम विषम परिस्थितियों में भी नीति सम्मत रहे। उन्होंने वेदों और मर्यादाओं का पालन करते हुए सुखी राज्य की स्थापना की, स्वयं की भावनाओं और सुखों से समझौता कर न्याय और सत्य का साथ दिया। फिर चाहे राज्य त्यागने की बात हो या बालिका वध करने की, या फिर रावण का संहार करने या माता सीता को वन भेजने की ही बात क्यों ना हो, भगवान राम ने दया कर सभी को अपनी छत्र छाया में लिया। उनकी सेना में पशु, मानव, दानव सभी शामिल थे और उन्होंने सभी को आगे बढ़ने का मौका भी दिया। जहां एक ओर सुग्रीव को राज्य सौंपा तो वहीं दूसरी ओर हनुमान, जामवन जी और नल नील को भी उन्होंने समय समय पर नेतृत्व करने का अधिकार भी दिया। जी हाँ, ऐसे हैं हमारे राम। सिटी लाइफ के लिए शिल्पा सिंह की रिपोर्ट।